अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रशियन सैलेड। तो आइए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रशियन सैलेड बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें मैंने अरेंज की थी, लेकिन सबसे लास्ट में मैंने एप्पल काटे थे। तो एप्पल को हम सबसे लास्ट में काटेंगे ताकि ये ब्लैक ना हो। और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। इसको मैं बॉल में शिफ्ट कर दूँगी और इनमें तकरीबन थोड़ा सा मैं लेमन जूस डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप इसमें लेमन जूस डाल के इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये ब्लैक भी ना हो और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार सा है। तो हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसके अलावा मैंने स्वीट कॉर्न्स लिए थे, एप्पल हैं, गाजर है जो मैंने बॉईल कर ली थी क्यूब्स में काट के, अंगूर लिए हैं, अनार लिए हैं मैंने 1 कप, और 1 कप मैंने मटर लिए, इनको भी मैंने बॉइलिंग वाटर में निकाल लिया था। ये थोड़ी सी मैंने बंद गोभी काटी है, इसके लिए जितनी हमें ज़रूरत होगी इतनी हम यूज़ करेंगे। ये पाइनएप्पल मैंने काटे हैं, मैक्रोनी बॉयल कर ली थी। तो आप देख सकते हैं मैंने पोटैटो बॉईल कर लिए थे, पोटैटो को मैंने क्यूब्स में काट के और इनको मैंने बॉईल कर लिया था। पहले हम इसको क्यूब्स में काटेंगे फिर बॉईल करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मैंने अरेंज की। इसके अलावा मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें मैं 300 ml फ्रेश क्रीम में डालूंगी। 300 ml फ्रेश क्रीम जाएगी, कोई सी भी आप टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की। 237 ml मैंने इसमें मायोनीज लिया है, पूरा एक छोटा पैक था मेरे पास, वो मैंने फुल मायोनीज का पैक इसमें इस्तेमाल किया है, वो पूरा पैक मैं इसमें डाल दूंगी। इसके अलावा हम इसमें 1/2 कप मैंने पाउडर शुगर लिए। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करती हैं तो शुगर की मकदार आप बढ़ा सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें वाइट पेपर डालूंगी जिसको दखनी मिर्च कहते हैं, और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें काले मिर्च डालूंगी, और 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। और तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा अच्छा सा एक क्रीमी सॉस बन गया है रशियन सैलेड के लिए। अब हम इसमें तमाम चीज़ डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने जो बॉयल एल्बो मैक्रोनी मैंने बॉयल की थी वो मैं इसमें शामिल करूंगी। मैक्रोनी इसमें जाएगी। इसके अलावा मैंने स्वीट कॉर्न्स लिए हैं, वो मैं इसमें डाल दूंगी। इसके अलावा मैंने पोटैटो बॉयल किए थे जिसको मैंने क्यूब्स में काट के फिर मैंने बॉयल किया था। और ये हमारे पास मटर है। मटर आपके पास अगर फ्रोज़न ना हो तो आप बॉयल करके यूज़ करें, मेरे पास फ्रोज़न थे, मैंने बॉयलिंग वाटर में निकाल लिया था इनको। और अंगूर डाले हैं, और एप्पल जो मैंने काटे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। गाजर मैंने बॉईल कर ली थी क्यूब्स में काट के। थोड़ी सी मैंने इसमें किशमिश डाली है, तकरीबन 1/2 कप जो है वो मैंने ली थी टोटल, लेकिन इसमें थोड़ी सी इस्तेमाल की। थोड़ी सी हम गार्निशिंग में डालेंगे। बंद गोभी को भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है बंद गोभी, वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हमने अनार हैं, अनार भी मैं गार्निशिंग के लिए थोड़े से बचा लूँगी और मैं कुछ इसमें डाल दूँगी। तो हमारा बॉल जो है वो फुल भरने वाला है, आप देख सकते हैं। और पाइनएप्पल मैंने एक बड़ा टिन जो है वो पूरा लिया है बड़ा, और पाइनएप्पल सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी होते हैं डालने। कुछ चीज़ें हैं जिसकी जो बहुत ज़रूरी है इसमें डालने के लिए, जिससे रशियन सैलेड तैयार की जाती है। इसके अलावा आपकी चॉइस पर है कि जो आपको फ्रूट्स वगैरह अच्छे लगते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, जो मैक्रोनी वगैरह मैंने बचाई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। तो जैसे जैसे हम इसको मिक्स कर रहे हैं, हमारा जो है वो अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं, और मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखने के बाद निकाल लिया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, इसको जो है वो रशियन सैलेड बिल्कुल चिल सर्व की जाती है, इसको फ्रिज में रख के सर्व किया जाता है। जब आपको बनाना हो किसी के लिए तो तकरीबन आप इसको 5 से 6 घंटे पहले बनाकर आप फ्रिज में रख दें, क्योंकि इसको बिल्कुल चिल सर्व किया जाता है, बिल्कुल ठंडा सर्व किया जाता है। इसके अलावा मैं इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ। मैंने इसको अच्छी तरह से बिल्कुल ठंडा कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको निकाला है। अब मैं इसकी एप्पल से डेकोरेशन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने छोटा सा एक फ्लावर बना लिया है एप्पल का, और इसमें मैंने अनार डाल दी हैं। इसकी डेकोरेशन के लिए मैं अनार यूज़ कर रही हूँ, और जो मैंने किशमिश बचाई थी वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और पाइनएप्पल, ये 3 चीज़ें मैंने बचाई थी तो वो मैं थोड़ी थोड़ी इस पर डाल के इसकी डेकोरेशन कर दूँगी। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सैलेड होती है ये। तो व्यूवर्स, हमारी मज़ेदार सी रशियन सैलेड तैयार है। इसको अपनी फैमिली के लिए, अपने गेस्ट के लिए ज़रूर बनाइए, दावत में बनाइए इसको, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है, और शादियों में भी ये बहुत ही शौक से खाई जाती है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए, और इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह ने के बांध।